हेलो हेलो मुझसे सत श्री अकाल, कैसे आप सबका हाल चाल? तो वेलकम बैक ऑन माई चैनल होटल शिचा, और मैं हूँ शिचा। और बहुत तेज़ वाली आ गई है ठंड। एक्चुअली यार पता है, ठंड मेरे को लगती तो सबसे पहले, ऐसा नहीं है पर आज नहीं कल, हाँ यार पता है, जो मेरा लास्ट टाइम वाला वो येलो वाला कैब था ना, आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा, वो इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा, वो खो गया पता नहीं कैसे। उसके ऑल्टरनेट पे कल मेरे को बहुत मुश्किलों से ये कैब मिला है, और ये भी आज किसी ने लूज़ कर दिया शायद। तो बस कल से ही मैंने कैप लगाया और ये नहीं उतरेगा। नाउ गोइंग टू हैव समथिंग फॉर बाय पेट। आई एम भूकिंग लगिंग बहुत तेज वालिंग। नाउ लेट्स सी व्हाट्स इन द किचन टू ईट। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको ठंड तो लगती है पर यू नो बहुत ही मिनिमल सी ठंड लगती है? मेरी तरह नहीं लगती एकदम, बिल्कुल ताबड़तोड़ ठंड जैसे हम कहेंगे। अरे यार, आई कैन नॉट सर्व माई सेल्फ विद वन हैंड, आई एम अनएबल टू। अच्छा भाई आ जा, अच्छा भाई आ जा, कोई गाना है क्या? अच्छा भाई आ जा, मैं पता नहीं, पीछे वो किचन के धुले हुए कपड़े से उखड़े हैं, आप ऐसे में सोचना कि क्या। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वाला मिर्च का चाव। तो मैं बस अभी भी सो कर उठी हूँ यार, पता नहीं क्यों आजकल मैं ना कुछ ज़्यादा सो रही हूँ। सो के उठते ही आए हैं बहुत ही यमी से मोमोज और नूडल्स, चलिए उनको खाते हैं। एज ऑलवेज खाना, इतना ज़्यादा खा लिया मैंने, इतना ज़्यादा खा लिया, उसके बाद हम जा रहे हैं घूमने। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ यार, देखो ये ना, इसकी दो लीफ, एक तो मतलब एक्सट्रीमली फ्रेश है, और जो सामने वाली लीफ है ना, ये वाली देखो, ये वाली भी थोड़ी थोड़ी डेड हो गई है, ये तो मतलब ऐसा लग रहा है झाड़ हो गई है, पता नहीं क्यों। अब मैं सोच रही हूँ इसको ना थोड़े दिन शायद बाहर रख दूँ, तब शायद ठीक हो जाए। आई डोंट नो, मतलब समझ में नहीं आ रहा मुझे कि क्या करूँ, पता नहीं हो। आज यार पता चल गई थी, मैं अपना चश्मा भी भूल गई थी। अच्छा यार, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, ये ना मेरे एक्चुअली ऑफिस का चश्मा है, तो ऑफिस में तो ये रिमलेस अच्छा लगता है, मतलब फ्रेमलेस बेसिकली। अटक गया यार कैप में, पर घर पे यू नो इट डजंट सूट दैट मच। तो मैं सोच रही हूँ एक ना फ्रेम वाला चश्मा बना लूँ, तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ कि स्क्वायर बनवाऊँ, कैटाई बनवाऊँ, ओवल बनवाऊँ या सर्कल बनवाऊँ, क्योंकि कैटाई ना मैं बहुत स्टार्टिंग में भी पहन चुकी हूँ, तो आई जस्ट गेट बोर्ड अबाउट दैट, उससे मैं थोड़ा बोर हो चुकी हूँ, तो आई एम कन्फ्यूज़। अभी आके मुझे अपनी दवाई भी खानी, और हाँ मैं आज आप लोगों को बताऊँगी कि मैं किस चीज़ की दवाइयाँ खा रही हूँ और वो क्यों इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर मैं उनको स्किप करती हूँ तो आई रियली गॉट इन ट्रबल, सीरियसली। तो चलो, दीदी इज वेटिंग फॉर मी टू गेट आउटसाइड फॉर अ वॉक, नाउ गोइंग। चलो भाई साहब चलो, Why I'm going, ta-da! Let me adjust. तो हे एवरी वन, इट्स बीन सो लॉन्ग कि मैं आप लोगों से बात करने के लिए आई हूँ। पहले तो थोड़ा मेरा कैप देख लीजिए, जो पसंद है पता नहीं क्यों। हाँ, तो इस वक्त हो रही है रात, और मेरा है एक्चुअली दवाई का रूटीन, तो मैं दवाई खाती जाती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि मैं फिर से ये दवाइयाँ किस चीज़ की खा रही हूँ, और स्पेशली अब तो जैसे ये चूरन वगैरह है ना, तो ये मैं क्यों खा रही हूँ बताती हूँ। पर यह पता है जो चूरन है इसका इतना अजीब टेस्ट है ना। अच्छा, पहले दूसरे दिन ज़्यादा अजीब लगा था, उसके बाद तो इस खाया जा सकता है इस टाइप का, खा के बताती हूँ। चूरन की बात हुई, गोलियाँ बहुत अच्छी टेस्ट है, बहुत लेट हो गई, अभी कुछ खाऊंगी और। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो मैं दवाई खा रही हूँ आजकल, ये मैं ले रही हूँ अपनी लोअर बैक का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। हाँ गाइस, पहले थोड़े दिनों पहले अभी अप्रोक्स सेप्टेम्बर, मतलब टू थ्री भी नहीं, अभी अप्रोक्स वन मंथ है, वो मेरे ना एक्चुअली लोअर बैक में पेन हुआ था।
सॉरी। तो वो थोड़े दिन तक होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। उसके बाद ये हुआ कि वो पेन मेरा इतना बढ़ गया, एक दिन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मेरे को उस दिन सुबह जल्दी जल्दी ताऊजी ने इंजेक्शन लगाया। उससे भी पेन ऐसा था कि मतलब पूरी तरीके से होता ना, इंजेक्शन के बाद भी इंट्रामस्कुलर मुझे लगा था, इंजेक्शन के बाद भी पेन बंद नहीं था, कम हो गया था। हाँ मतलब कम हो गया था, पर ऐसे बंद नहीं था जैसे इंजेक्शन के बाद हो जाना चाहिए था। उसके बाद हमने यहाँ डॉक्टर्स को दिखाया, कोई रिलीफ नहीं मिला। मतलब पेन की वजह से उन्होंने मुझे थोड़ा ना उसमें ऐसे नींद की दवाई भी दी थी, 2-3 दिनों तक मैं ऐसे सोती सोती सी रही थी। फिर उसके बाद फिर यहाँ हमने एक डॉक्टर और चेंज किया, नहीं हाँ फिर हम अलीगढ़ चले गए। अलीगढ़ में हमने ट्रीटमेंट लिया, मेरी अल्ट्रासाउंड हुआ, पता नहीं क्यों कराया उन्होंने अल्ट्रासाउंड, तब बैक में पेन था, उन्होंने डॉक्टर है वो। उसके बाद मेरी MRI हुई, फिर मतलब मैं दवाई खा रही थी। फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि थेरेपी कराओ। हाँ मतलब हमारी एक रिलेटिव हैं, वो एक्चुअली BPT कर रही थी, उनका हाँ उसका फाइनल हो गया है, BPT कर रही थी वो, फाइनल हाँ उसका फाइनल हो गया था। तो उसने मुझे सजेस्ट करा कि एक बार ना तो थेरेपी करा ले, ज़्यादा बेटर है, क्यूरेबल है। तो मैंने फिर थेरेपी कराई। मुझ पर बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं था कि मतलब टाइम तो खैर था, पर मुझे इंस्टेंट जल्दी रिलीफ चाहिए क्योंकि पेन मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। तो मैंने ट्वाइस अ डे थेरेपी कराई, एक बार मैं सुबह थेरेपी कराने जाती थी, एक बार मैं शाम में थेरेपी कराती थी। तो उसे within 7 to 10 days मुझे बहुत रिलीफ मिला था, मतलब मैं बहुत इजी गोइंग हो गई थी, मैं आ गई फिर वापस, फिर सब ठीक रहा ठीक रहा। मतलब मुझे डेली रात में हीटिंग पैड से हीट लेनी पड़ती थी। अभी मेरा हीटिंग पैड गर्म हो रहा है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो मुझे हीटिंग पैड से हीट लेनी पड़ती थी। ठीक था मेरी कोई दवाई नहीं चलती, बस मैं एक मल्टीविटामिन खाती थी, और वो तो ऐसी मतलब वैसी खाती थी मैं, एक और कुछ भी खाती थी शायद, मल्टीविटामिन और फिश ऑयल खाती थी, बोन्स वगैरह के लिए अच्छा रहता है वो। फिर हाँ अभी जैसे ही सीज़न चेंज हुआ, मतलब सॉरी मैं बहुत अभी जैसे ही सीजन चेंज हुआ और ठंड वंड बहुत ज़्यादा पड़ी, तो यार मेरे ना फिर से पेन स्टार्ट हो गया। मतलब मैं रेगुलर हीट दे रही थी, थोड़ा रिलीफ भी कर रही थी। ऑफिस में भी मेरी जो चेयर है वो मतलब ऐसी है कि उसमें ना मतलब पूरा 90 डिग्री का एंगल तो फॉर श्योर नहीं बनता है, पर 80-75 मतलब 80-85 का उसमें एंगल बन जाता है। हम ऐसी चेयर लेकर आए, हाँ आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड, टू आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि मेरे ऑफिस वाले इतने ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा वो लोग अच्छे हैं कि उन्होंने खुद से चीज़ें कहा, मतलब मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी वहाँ कि नहीं मेरे को ऐसे करना है ऐसे करना है। उन्होंने खुद से मुझे रिलीफ दिया, मेरे लिए चेयर अवेलेबल कराई, जैसे मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट करी थी। मैंने डॉक्टर को बताया था कि भाई देखो मेरा ना ऐसे ऐसे काम है, तो बैठने का ही मेरा पूरे टाइम काम है, आई हैव टू डील थिंग्स। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठ जाना, पर 90 डिग्री का एंगल बना के बैठना। पर 90 डिग्री का ऐसे बन नहीं पाया, मतलब एकदम बिल्कुल स्ट्रेट, सॉरी मैं झुक के बैठी थी, मुझे स्ट्रेट बैठना है। मैं बहुत ज़्यादा बैंड करके भी नहीं लेट सकती हूँ कि फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर क्या हुआ, फिर वो दर्द बढ़ता गया बढ़ता गया, फिर मैं वहीं से फिर मैं गई शंकरा, हीटिंग बैड हो गया। फिर मैं एक आयुर्वेदिक हैं यहाँ पे डॉक्टर, मैं उनके पास गई, उनसे मुझे आज अप्रोक्स 7th 6th 7th डे होगा या फिर 8th होगा, तो मतलब मैं ऐसे कंफ्यूज हूँ। मुझे रिलीफ है, काफ़ी काफ़ी रिलीफ है, पर हाँ मतलब कल से पता नहीं क्या हो गया है कि पेन या तो बढ़ रहा है, पता नहीं क्या। उन्होंने मुझे मतलब पूछना है, ऐसे 4-5 पाउडर कुछ आयुर्वेदिक पाउडर बताया, उनको मिक्स करके एक पूरा एक ऐसे पाउडर तैयार करना है। तो वो मैंने ना इस डिब्बे में भर लिया है, ऐसे मतलब 3-4 मेरे पास पाउडर, मैं पूरा ट्रीटमेंट का प्रिस्क्रिप्शन है साइड में लगा दूँगी, या फिर देखूँगी शायद मैंने कहीं रख दिया है, तो मैं उसको ढूंढ के या अगले ब्लॉग में शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। और साथ में मुझे टैबलेट उन्होंने दी हैं, तो उन्होंने ये मुझे दी हैं। तो ये सारी जो दवाइयाँ ये हैं डाबर की, जो इसने भी चूरन है, ये है ये वैद्यनाथ की, और ये मुझे लेनी होती है सुबह लेनी होती है खाना खाने के बाद और रात को खाना खाने के बाद। तो मैंने बस अभी ली है, और मुझे हीटिंग पैड यूज़ करना होता है। और हाँ मुझे उन्होंने ना कुछ ऐसी 3-4 मुझे एक्सरसाइजेस बताई हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत ज़्यादा। अगर मैं वो एक्सरसाइज स्किप कर देती हूँ ना तो फिर पेन हो जाता है मेरे, पता नहीं क्यों। अभी तो मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ जैसे शायद सीज़न और चेंज हो रहा है और थोड़ा शायद वर्कलोड की वजह से शायद वो पेन हो रहा हो। तो अब मैं सोच रही हूँ कि एक्सरसाइज जो है वो अपनी सुबह शाम कर दूँ। अभी मैं एक टाइम एक्सरसाइज ले रही थी, तो मैं सोच रही हूँ सुबह शाम कर दूँ तो शायद रिलीफ मिले।
आज अभी मैंने रात में एक्सरसाइज करी है, अभी इंस्टेंट रिलीफ तो खैर नहीं मिलेगा। अभी मैं जब रात में सोऊंगी तो हीटिंग पैड भी यूज़ करूंगी, तो उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट रहते हैं। ना 40 डोज दी थी ऐसी, उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि एक बार और विजिट करना है। और हाँ, उन्होंने ना मुझे मेरे ना ऐसे पूरे लोअर बैक में पेन नहीं है। हाँ, मैं आपको अपना पेन और बताती हूँ कि कैसे क्या है। मेरे को एक लोअर बैक में एक पर्टिकुलर जगह पे बैक बोन से थोड़ा राइट हैंड साइड, हाँ मेरे राइट साइड ही पेन है। बैक बोन एकदम जैसे हमारे बीच में हो गई, ये हमारी बैक बोन है, जैसे ये बैक बोन है, ये इसका राइट हो गया, इसका लेफ्ट हो गया, नहीं ये राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, तो यहाँ राइट हैंड साइड मेरे को पेन होता है। और उसे पूरा पेन मेरे को होता रहेगा जैसे मैं ध्यान ना दूँ, तो फिर वो मेरे को राइट वाले लेग में ऐसे 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 फील होता है, जैसे जैसे हमारा हार्ट नहीं पंप करता, जैसे हिंदी में उसको कहेंगे जैसे क्या मैं कहूँ, जैसे वाइब्रेशन, या जैसे लपकन हिंदी में कहेंगे, वो मेरे को फील होगी। पिछली बार ये होता, फिर वो बढ़ते 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 मेरे पूरे लेग में हो गया था। तो उस वक्त तो ये लगा था ये सियाटिका का पेन है। सब चीज़ें हुई ठीक है, पर जैसे मेरे को थेरेपी वाले ने भी कहा ये सियाटिका का पेन नहीं, क्योंकि उसने ना एक पर्टिकुलर मेरे को लेटा के एक मेरे लेग को ऐसे, जैसे मैं ऐसे पूरा लेट हुई थी, मेरे एक राइट वाले लेग को ऐसे उसने अप करके 30 डिग्री का एंगल बनाया था। आई गेस मैं भूल गई वो एंगल बनाने पे, वहाँ पे मेरे पेन नहीं था, तो ये सियाटिका का पेन नहीं है। हाँ, तो अब मैं उनसे दोबारा विजिट करूँगी अपनी 40 डोज के बाद। हाँ, मेरे को 7 दिनों का, मैंने 1 तारीख से दवाई खाना शुरू करा है, नहीं मैंने 31 से दवाई खाना शुरू करा है, तो मेरे को 19 तक दवाई खानी है। मैं 20 को नहीं, मैं 19 को ही उनको विजिट करूँगी, क्योंकि 19 की रात की जो होगी वो मेरी लास्ट डोज होगी। तो फिर बेटर होगा कि मैं 19 को ही उनको जाके एक बार विजिट कर लूँ। तो देखते हैं कि आयुर्वेदिक से कितना रिलीफ मिलता है। वैसे यार ये ना मुझे ऐसा लगता है, मुझे क्या लगता है, उन्होंने भी मुझसे कहा था कि ये क्योरेबल, मतलब ये ऐसा पेन नहीं है कि फीवर है, आपने दवा खाया और चला गया, ये थोड़ा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का पेन है। तो परेशान नहीं होना है आपको, कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रेट अपनी बैक को हमेशा स्ट्रेट रखना है, सोते में भी ध्यान रखना है, एक्सरसाइज करते रहना है। अब मैं सोच रही हूँ एक्सरसाइज ना सुबह शाम कर दो भी, सिर्फ मैं एक टाइम कर रही थी। कभी कभी तो इवन ऐसा होता था कि मैं कर ही नहीं पाती थी, जैसे जल्दी जल्दी सुबह लेट उठो, जल्दी जल्दी चले जाओ, फिर थोड़ा आलस में आ जाता, तो शायद इसलिए पेन हो गया हो कल से, अदरवाइज काफ़ी रिलीफ था। या हो सकता है इसमें कोई ऐसा पाउडर हो या कुछ ऐसी इसमें दवा हो जो पेन किलर हो, जो मैं सुबह शाम ले रही हूँ, तो इस वजह से पेन नहीं हो रहा है। आई डोंट नो, होप सो कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, एकदम हेल्दी हो जाऊँ। यार पता है हेल्दी रहने से क्या होता है, आप ना बहुत मेंटली भी हेल्दी हेल्दी रहते हैं, और फिज़िकली अगर आप थोड़ा हेल्दी हो, मतलब मेंटल और फिज़िकल दोनों हेल्थ बहुत कंपल्सरी है, दोनों में से एक दूसरे बढ़ाती है ना, इंसान पूरा डगमगा जाता है। तो हाँ, तो मेरा वो हो चुका है हीटिंग पैड, मैं आपको दिखाती हूँ उससे मैं सिकाई करती हूँ। आप पता है इतना रिलीफ मिलता है ना उससे, बाय गॉड बहुत रिलीफ मिलता है, बहुत सारा। मैं हीटिंग पैड की बात कर रही थी ना, वो ये है, बहुत गर्म है। हाँ, इसमें पता है क्या होता है, देखो एक सेकेंड। हाँ, इसमें ना इसमें यहाँ पे इस पर प्लग लग जाता है, उसमें रेड कलर की लाइट जलती रहती है। जब वो लाइट ऑफ हो जाती है अप्रोक्स 10 to 12 मिनट्स में, तभी फिर बहुत गर्म हो जाता है। तो बस अब मैं इससे करूँगी अपनी लोअर बैक की सिकाई, उसके बाद सुबह जल्दी उठ के ध्यान से करूँगी एक्सरसाइज, और कल भी करूँगी। तो इसी के साथ ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, आपको मिलूँगी कल फिर सही रहने वाले ब्लॉग के साथ। जब पेंटिंग देख रहे हो, ये मेरी बहन ने बनाई है, शी इज़ एन एक्सट्रीमली अ ग्रेट आर्टिस्ट। तो हाँ, ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, आपको मिलूँगी कल फिर सही वाले ब्लॉग के साथ। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे ब्लॉग देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग जैसे होता है ना कि जैसे डेली डेली थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, तो बहुत अच्छा सा लगता है, ऐसा लगता है। थैंक यू यार, सच में थैंक यू सो मच। तो ये वाला ब्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ, आपको मिलेगी कल फिर से वाले ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए ठाड़ा, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग मेरे डेली रूटीन डेली लाइफ देखना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ भी फॉलो करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, आप लोग भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमारे साथ बने रहिए, ब्लॉग देखते रहिए। थैंक यू, गुड नाइट।